खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। कजाकिस्तान के अलमाटी के पास विमान हादसा हुआ है। विमान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के दौरान विमान में 5 क्रू मेंबर समेत 100 लोग सवार थे। उड़ान भरते वक्त 2 मंजिला इमारत से टकराया। अलमाटी से नूर सुल्तान जा रहा था ये जहाज, लेकिन अचानक से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया 2 मंजिला इमारत से टकराते हुए, जिसमें 7 लोगों की जान जाने की फिलहाल खबर है। हालांकि इस पूरे विमान में 100 के आसपास या 100 से ज्यादा कुछ यात्री मौजूद थे, जिसमें 5 सदस्य क्रू मेंबर्स भी थे। 7 लोगों की फिलहाल मौत का आंकड़ा यह सामने आया है। कजाकिस्तान के अलमाटी से उड़ान भरी थी इस विमान ने। हादसे के दौरान विमान में 5 क्रू मेंबर्स और 100 सवारियां थी। सुबह सवेरे अलमाटी कजाकिस्तान से यह दुर्घटना की दुखद खबर सामने आई, जहां ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 7 लोगों की इसमें जान गई है। हालांकि क्या वजह रही, टेक्निकल कोई वजह रही या फिर पायलट की खामी, ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल यहां बचाव दल पहुंचा हुआ है। हवाई जहाज जो क्रैश है उससे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आंकड़ा सामने आया है कि क्रैश होते विमान में 7 लोगों की जान चली गई है। तो आपको बता दें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दरअसल संपर्क टूट गया था इस जहाज का, और यही वजह मानी जा रही है कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।